नमस्ते बच्चों, आज हम नवीं कक्षा का व्याकरण का नया पाठ सीखने जा रहे हैं। उसका नाम है शब्द और पद में अंतर। सबसे पहले बच्चों, हम शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद शब्द और पद में क्या अंतर है इस बात की जानकारी लेते हैं। तो चलो पहले देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, अथवा वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर म प्लस ए प्लस ज प्लस अ मेज शब्द हुआ, या मेज जो शब्द है इस शब्द का हमें कोई अर्थ है, ये मेज को प्रदर्शा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, सार्थक शब्द है। लेकिन इसी तरह से जिम ये जो शब्द है इन वर्ण समूह से वो बना हुआ है जिम, उसका शब्दकोश में कोई अर्थ नहीं मिलेगा, इसलिए ये निरर्थक शब्द है। तो इस तरह से बच्चों, जो शब्द सार्थक होता है वही शब्द कहलाता है। वैसे तो भाषा में सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार के शब्द आते हैं, मगर इस निरर्थक शब्द का व्याकरण में किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं होता है, इसीलिए शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। तो इस तरह से ये शब्द है। तो शब्द अनेक सार्थक वर्णों के मेल से बना होता है, तो इस तरह से शब्द हैं। और इसी शब्द से अब हम देखते हैं कि पद कैसे है, क्योंकि शब्द से ही पद जुड़ा हुआ है। तो पद को देखते हैं कि व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, अथवा जब कोई सार्थक शब्द किसी वाक्य में व्याकरणिक इकाई के रूप में बन जाते हैं तो उस वाक्य का प्रत्येक शब्द पद बन जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जब तक शब्द स्वतंत्र होता है, वो स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, उसका वाक्य बनाया जाता है, सेंटेंस बनाया जाता है, तब वो शब्द शब्द न रहकर वो पद बन जाता है। तो इस तरह से शब्द से रिलेटेड पद है। हम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि कमल। कमल यहाँ पर एक स्वतंत्र शब्द है, लेकिन इसी कमल को अब हमने वाक्य में प्रयुक्त किया, कमल तालाब में खिलता है। अब यहाँ पर व्याकरण के सभी नियमों में ये बंद हो गया है, कमल अब यह स्वतंत्र न होकर इन वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण वो पद कहलाएगा। यहाँ पर कमल अकेला है इसलिए वो स्वतंत्र शब्द है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वो शब्द न रहकर पद बन जाता है। तो यही है शब्द और पद। तो इस तरह से बच्चों, शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, यह हम उदाहरण सहित हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर होते हैं। ओके बच्चों, हमने शब्द और पद को देखा, अब हम देखते हैं कि शब्द और पद में अंतर के पहले शब्द के भी कुछ भेद हैं और पद के भी कुछ भेद हैं। उन भेदों के पहले हम जानकारी लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर शब्द के भेद देखा जाए तो चार तीन हैं। सबसे पहले है स्रोत के आधार पर, यानी शब्दों की उत्पत्ति। यह शब्दों की उत्पत्ति हुई है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और देश।
शब्दों की तो हमने भी जानकारी दी है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि तत्सम शब्द यानी संस्कृत से जो कि त्यों हिंदी में आ जाता है उसे कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द यानी संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाता है उसे कहते हैं तत्सम शब्द। विदेशी यानी बाहर से आया हुआ शब्द और देशज यानी हमारे रोज के जनजीवन में बोलचाल में आने वाले जो शब्द होते हैं उसे कहते हैं देशज शब्द। तो इस तरह से स्रोत के आधार पर शब्दों की निर्मित हुई। अब दूसरा देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर एक हुआ है रूढ़ शब्द। जो शब्द खंड नहीं होता, जिस शब्द का खंड नहीं होता यानी उसका विभाजन ही नहीं होता। जैसे कि अब हम देखते हैं कि जैसे कि शब्द है पैर, इसका हम विभाजन नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते हैं, पैर प्लस र इस तरह से। ये अगर हमने उसका खंड किया, विभाजन किया, तो उसे कोई अर्थ नहीं रहता है, वो निरर्थक बन जाता है, इसीलिए वो रूढ़ है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो पहले से ही रूढ़ है, जिसका खंड नहीं किया जा सकता। ऐसा शब्द है पैर है, हाथ है, दांत है, तो आदि इस तरह के जो शब्द होते हैं जो रूढ़ है, जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो होते हैं रूढ़ शब्द। तो यौगिक शब्द, यौगिक शब्द यानी ऐसे शब्द, यौगिक शब्द में दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का मेल से बना शब्द, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना शब्द वो होता है यौगिक। जैसे कि पाठशाला, इसका अगर हमने खंड किया, पाठ और शाला दो अलग किए तो भी दोनों के कुछ अर्थ हैं। विज्ञान आदि जो शब्द होते हैं उनका खंड हो जाता है और दोनों भी शब्द कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं। याद रखो बच्चों, यहाँ पर जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय लगकर भी नए शब्द इस तरह से बन जाते हैं, तो सार्थक शब्द बन जाते हैं, उनका मेल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है, जैसे कि पाठशाला, विज्ञान इस तरह से। अब योग रूढ़ शब्द यानी जो यौगिक शब्द हैं, जो यौगिक शब्द रूढ़ है या विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द। देखो बच्चों, योगरूढ़ शब्द यानी जो यौगिक शब्द होता है, जो रूढ़ है, जो विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहां पर पंकज शब्द है, इस पंकज का खंड किया है पंक प्लस ज, यानी पंक का अर्थ होता है कीचड़। पंक यानी क्या, तो कीचड़, तो कीचड़ में जन्म लिया लेने वाला। तो यहां पर सिर्फ पंकज इस शब्द को अगर
बोल दिया गया तो हमें झट से याद आ जाता है कि पंकज यानी कमल। वैसे तो बच्चों पंकज में यानी कीचड़ में अनेक कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, लेकिन पंकज कहा तो कमल यह शब्द रूढ़ हो गया है और उसे ही हम उसी तरह से पकड़ कर लेते हैं, इसीलिए यह पंकज शब्द योग रूढ़ शब्द बना है। जैसे कि बच्चों हमने समास देखा है, समास में बहुव्रीहि समास के जो एग्जाम्पल्स है उदाहरण है वो सब योग रूढ़ शब्द में ही आते हैं। क्योंकि देखो जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि दशानन, दशानन कहा तो हमें झट से रावण का बोध हो जाता है क्योंकि दशानन रावण को कहते हैं। उसी तरह से एकदंत इस कहा तो हम झट से कहते हैं कि गणेश है। तो इस तरह से जो शब्द हैं, जो दो सार्थक शब्द यानी यौगिक शब्द का अर्थ से हमें तीसरे ही शब्द के शब्द का अर्थबोध होता है वो होता है योगरूढ़ शब्द। तो इस तरह से शब्दों के भेद है, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर तीन हैं, रूढ़ यौगिक और योगरूढ़। और आखिरी जो है तीसरा वो है अर्थ के आधार पर। इस अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद जैसे कि हमने देखा है कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक अर्थ के लिए अनेक वाक् शब्दों के लिए एक शब्द, भिन्नार्थी शब्द, अनेक अर्थी शब्द, ये सारे जो शब्द हमने सीखे हैं वे सब अर्थ के आधार पर आ जाते हैं। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, भिन्नार्थक आदि जो है वो सब कैसे आ जाते हैं तो अर्थ के आधार पर इस तरह से शब्दों की भेद हुए हैं। अब हम देखते हैं पद के भेद। पद के भेदों में पांच प्रकार है, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया पद और क्रिया विशेषण पद। अब हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि संज्ञा पद, संज्ञा में जैसे कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पर मोहन गांव गया, यहाँ पर मोहन और गांव ये दोनों भी संज्ञा को दर्शाने वाले पद हैं, इसीलिए इसे कहा गया है संज्ञा पद। तो जिस यहाँ पर अब हम देखते हैं सर्वनाम पद, सर्वनाम पद में जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पर जो ये जो शब्द है सो ये सर्वनाम को दर्शा रहे हैं तो इसलिए ये सर्वनाम पद हुए। उसी तरह से विशेषण, वह बुद्धिमान है, यहाँ पर बुद्धिमान शब्द हमें विशेषण पद को दर्शा रहा है क्योंकि यहाँ पर यहाँ हम अगर इसे रेखांकित करो तो ये सर्वनाम पद को भी दर्शा रहा है, लेकिन बुद्धिमान वह कैसा है तो बुद्धिमान है तो बुद्धिमान विशेषण पद हुआ। क्रिया पद, मोहन गाता है, यहाँ पर क्रिया क्या है तो गाता है तो इसे रेखांकित किया तो ये दर्शा रहा है कि क्रिया है तो इसीलिए उसे हम क्रिया का पद कहेंगे क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त तो हुआ है। अब क्रिया विशेषण से हम देखेंगे बच्चा चांद की ओर देख रहा है, तो देखो बच्चों यहाँ पर बच्चा चांद की ओर हमें विशेषण देखना है इसीलिए यहाँ पर विशेषण क्या है, विशेषण किस तरह होता है कि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी, क्या देख रहा है बच्चा तो किस तरह देख रहा है, देखने के बारे में क्या कहा है कि ओर, इसे वो दर्शा रहा है कि ओर देख रहा है। तो ये जो है
ये की और जो है ये क्रिया विशेषण है, इसीलिए उसे क्रिया विशेषण पद कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों पद के संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया का पद और क्रिया विशेषण का पद, यह इसके भेद हैं और हमें उसे पहचानना आना चाहिए। तो अब हम आखिर में हमारे इस अध्ययन का हमारा लास्ट का टॉपिक जो है वो है शब्द और पद में क्या अंतर है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। बच्चों हमने शब्द देखा, पद देखा किसे कहते हैं, शब्द के भेद देखे, पद के भी भेद देखे। अब हमारा आखिरी है शब्द और पद में अंतर क्या है। तो बच्चों देखो, शब्द मूल रूप होता है, पद वाक्य में प्रयुक्त रूप होता है। दूसरा पॉइंट, शब्द स्वतंत्र होते हैं, पद स्वतंत्र रचना नहीं है, वे व्याकरण के नियमों से अनुशासित होते हैं, यानी नियमों से बंधे होते हैं। तीसरा, एक या एक से अधिक वर्णों की सार्थक स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद बन जाते हैं। चौथा फर्क है, अंतर है, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पद का, पद जो होते हैं, पद वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। और आखिरी है, शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं और पद जो होते हैं वो वाक्य और भाषा में पाए जाते हैं। तो बच्चों ये इतना भी चार्ट अगर आपने अच्छी तरह से याद रखा तो आपको आसानी से आप शब्द और पद पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। शब्द पद में अंतर इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में बस इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से स्पष्ट करो, पद किसे कहते हैं सो उदाहरण स्पष्ट करो, या तो शब्द की विशेषता कौन सी है, तो यही शब्द की विशेषता है या पद की विशेषता है, और अंतर अगर कहा तो भी आपको इस तरह से शब्द और पद के अंतर को लिखना होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने शब्द और पद के अंतर को देखा है और यही पर हमारा जो आज का अध्ययन है शब्द और पद में अंतर, यह समाप्त होता है।